अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 223 पेपर बी चैप्टर नंबर 10 रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 के रैशनलाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। Find the solution of cos square x divided by dx plus cos square y equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें cos square x dy और dx। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि dy हमें लेफ्ट साइड पर ही रखना है, तो आपने क्या करना है, cos square x dy divided by dx को इधर ही रहने दें, प्लस में जो आपका cos square y है ना, चाहे वो y में है, हम बाद में ले आएंगे, उसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos square x dy is equal to माइनस में cos square y के साथ यहां पर dx लग जाएगा। अब आपने जगह बदलनी है, x की वैल्यू dx को चाहिए है, y की वैल्यू y dy को चाहिए, तो यहां पर ये आपका जो y है ना, जो cos square y है, उसको आपने इस साइड पर लेके आना है। माइनस के साइन को फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस को ना लेके जाए, आप ये cos square को इधर लेके आएंगे तो ये 1 डिवाइड बाय cos square y दो dy बन जाएगा। इसी तरह से ये cos square x उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस तो रहने दे, cos square आपका जो है ना x dot dx हो जाएगा। अब देखिए जरा कि क्या dy के साथ y वाली वैल्यू है, क्या dx के साथ dx वाली वैल्यू है, बिल्कुल। अब यहां पर एक फॉर्म आपको पता भी है, जो कि हम जानते हैं कि secant square x equal to 1 divide by cos square x होता है, तो उलट कर लें तो वो secant square बनेगा ना, 1 divide by cos square y आपका क्या हो जाएगा, secant square y दो dy हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस तो है, ये 1 divide by cos square आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका secant square x dot dx हो जाएगा। अब आपको पता है इस स्टेप के बाद अगला स्टेप होता है कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर, so apply the integration integral symbol on both side, यहाँ क्या हो जाएगा आपका secant square y dot dy is equal to integral, minus को चाहे तो शुरू में ले जाए, हमें minus की जरूरत नहीं है, तो secant square x dot dx। और आपको पता है कि tan का derivative secant square होता है, तो secant square की integration tangent ही होगी, equal to minus में आपका ये भी हो जाएगा tangent में x, बाकी तो खत्म हो गया, plus में सिर्फ c रह जाएगा, c को नहीं हम लेके जाएंगे, ये वैल्यू उधर भेजते हैं, सो टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इक्वल टू c, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हुआ है। अब जरा मैं इसका बुक में आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर 14 टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इक्वल टू c, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन सारे इसकी अच्छी तरह से आपने सोल्व करने हैं, प्लेलिस्ट में आपको बाकी पिछले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।